हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 मैथमेटिक्स इंग्लिश मीडियम के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स। नंबर्स के बारे में हम क्या क्या जानते हैं उसके बारे में हम रीड करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज अ नंबर। एक नंबर क्या है? अ नंबर इज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट। अ नंबर इज मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज टू काउंट मेजर एंड लेबल। एक नंबर हमारे पास ऐसा मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जहां से हम काउंटिंग कर सकते हैं, लेबल कर सकते हैं या किसी को मेजर कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखते हैं क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो हम काउंटिंग करते हैं कि 30 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट्स इतने हैं। तो जहां पर हमारे पास काउंटिंग की बारी आती है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी है स्टेट के अंदर, कंट्री के अंदर या पर्टिकुलर सिटी के अंदर, तो काउंटिंग की जहाँ बात आती है वहां पर हम नंबर यूज करते हैं। मेजरमेंट, अगर हमें लाइन सेगमेंट को मेजरमेंट करना है, किसी चीज़ को मेजरमेंट करना है, तो वहाँ पर भी नंबर यूज़ होते हैं। एंड लेबलिंग, अगर हमें किसी चीज़ को मार्किंग करनी है सीरियल वाइज 1, 2, 3, तो वहाँ पर भी हमारे पास नंबर काम आते हैं। मतलब किसी चीज़ को अगर हमें काउंट करना है, मेजर करना है या लेबल करना है, तो इन वेरियस फील्ड के अंदर हमारे पास नंबर काम में आते हैं। अब हम देखते हैं हमारा जो फर्स्ट टॉपिक चैप्टर का वो है हमारे पास कंपेयरिंग नंबर्स। कंपेयरिंग नंबर्स, कंपेयरिंग नंबर्स। दो नंबर को कंपेयर करने का मतलब क्या हो गया? अगर हम दो नंबर को कंपेयर करें, इसका मतलब हमें ये बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है, कौन सा नंबर लार्जेस्ट है। तो ये चीज भी हमारे पास वेरियस फील्ड में यूज होती है। अगर हमें कहीं पर डिफरेंस बताना है कि कौन सी चीज बड़ी है, कौन सी चीज हमारे पास छोटी है, कौन सी चीज हमारे पास लार्जेस्ट है, कौन सी चीज हमारे पास स्मॉलेस्ट है, तो वहां पर हम कंपेयरिंग ऑफ नंबर काम में लेते हैं। उन नंबर को कंपेयरिंग करके हम इजीली बता सकते हैं। जैसे हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, अब इन नंबर्स में हमें ये बताना है कंपेयरिंग करके कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है और कौन सा लार्जेस्ट नंबर है। तो कंपेयरिंग करके अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कितना आ रहा है, 121 स्मॉलेस्ट नंबर। इन चारों नंबर में हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास आ रहा है 121 एंड लार्जेस्ट नंबर हमारे पास कितना है, 561। तो नंबर को देख के हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा हमारे पास नंबर जो है स्मॉलेस्ट है, कौन सा नंबर हमारे पास लार्जेस्ट है। अब हमारे पास कुछ नंबर्स देखें, अगर हम काउंटिंग करें तो अगर इनकी प्लेस वैल्यू से फाइंड करें तो ये नंबर 1000 में, ये नंबर 1000 में, 10,000 में और ये नंबर अगेन हमारे पास 1000 में। तो इन चारों में से अगर हम देखें 1001, 1000, 20,000 एंड 9,000, तो इन नंबर को अगर हम कंपेयरिंग करें तो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, इन चारों में हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास 9,000 एंड द लार्जेस्ट नंबर वो हमारे पास है 20,000। तो हम नंबर्स को देख के उनकी प्लेस वैल्यू से हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा नंबर हमारे पास स्मॉलेस्ट है और कौन सा नंबर हमारे पास लार्जेस्ट है। तो कंपेयरिंग ऑफ नंबर के अंदर हमें ये चीज पढ़नी है कि कौन सा नंबर हमारे पास स्मॉलेस्ट होगा और कौन सा नंबर हमारे पास लार्जेस्ट होगा। हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक? अगर हमारे पास अलग अलग नंबर दे रखे तो वहां से हम पर्टिकुलर 3 डिजिट 4 डिजिट के कितने नंबर फॉर्म कर सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे सपोज हमारे पास नंबर दे रखे 1, 2, 3, तो अब इन तीन नंबर से हम इन तीन डिजिट से हम 3 डिजिट के हमारे पास डिफरेंट नंबर फॉर्म हो सकते हैं। अगर हम देखें 123,
ये हमारे पास नंबर फॉर्मेशन हो गया। अगर हम नंबर को रिपीट नहीं करें, रिपीट इज नॉट अलाउड, कोई भी नंबर हमारे पास रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम नंबर कितने फॉर्म कर सकते हैं? 3, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 3, 2। तो ऐसे हम यहां पर तीन डिजिट के कॉम्बिनेशन से हम यहां पर नंबर फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब इन नंबर में अगर हमें यह ढूंढना है कि कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट नंबर हम बना सकते हैं और कौन सा नंबर हम लार्जेस्ट बना सकते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? गिवन नंबर्स में से अगर हमें यह बताना है कि लार्जेस्ट या फिर स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, गिवन नंबर्स में से हम लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर को हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपल सा प्रोसीजर है क्लास। क्या करेंगे, अगर लार्जेस्ट नंबर बनाना है तो हम नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे। अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में हम नंबर्स को अरेंज करेंगे, अब डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास क्या होता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। और यहां पर अगर नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो हमारे पास नंबर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म हो जाएगा। डिसेंडिंग नंबर मतलब होता है लार्जेस्ट टू स्मॉल, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू, और असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है हमारे पास लार्ज टू स्मॉल, लार्ज से हमारे पास नंबर स्मॉल की तरफ बढ़े, और असेंडिंग हमारे पास होता है स्मॉल टू लार्ज, स्मॉल नंबर से हमारे पास लार्ज की तरफ जो बढ़ रहा है। तो अगर गिवन नंबर में से अगर हमें लार्जेस्ट नंबर या फिर स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है तो हम कैसे फॉर्म करेंगे वो देखते हैं। तो अगर हम गिवन नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो सबसे ग्रेटर नंबर पहले आएगा, उसके बाद उससे छोटा नंबर, और उसके बाद उससे छोटा नंबर, मतलब 321 जो होगा हमारे पास इन तीन डिजिट में क्या होगा, सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा। और अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें, स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें जब हमारे पास कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, तो हमें छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू तक अरेंज करना है। छोटी वैल्यू हमारे पास आ रही है 1, उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू 2, एंड लास्ट में हमारे पास 3। तो ये हमारे पास हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर। तो अगर हमें गिवन नंबर है तो वहां से हम कितने भी नंबर फॉर्म कर सकते हैं। रिपीट और नॉन रिपीट हमारे पास अलग अलग कैसे, नॉन रिपीट का मतलब क्या हो गया, कोई भी डिजिट दोबारा रिपीट नहीं होने चाहिए। अगर उनमें हमें लार्जेस्ट नंबर फॉर्म करना है तो हमें उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना पड़ेगा, अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है तो हमें उनको असेंडिंग ऑर्डर में रखना पड़ेगा। अब अगर कोई डिजिट हमारे पास रिपीट हो जाती, अगर हमारे पास कोई डिजिट रिपीट हो रही है तो हम किसी भी नंबर को थ्री टाइम्स, जो हमें थ्री डिजिट बनाना है तो थ्री टाइम्स हम उसको रिपीट कर सकते हैं। तो रिपीटेशन के अंदर हम ऐसे नंबर फॉर्मेशन करेंगे जहां पर हमारे पास कोई भी नंबर कितनी बार भी रिपीट हो सकता है। तो हाउ मैनी नंबर्स कैन यू मेक का मतलब क्या हो गया, गिवन नंबर से आप कितने नंबर फॉर्मेशन कर सकते हैं, और नंबर फॉर्मेशन के बाद उसमें से लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर आप कैसे फाइंड करेंगे। लार्जेस्ट नंबर के लिए आपको ये ध्यान रखना है डिसेंडिंग ऑर्डर आपको पता लगाना है, स्मॉलेस्ट नंबर के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करना है। इसके बेस पर हम एक और एग्जांपल देखते हैं, नंबर हमारे पास है 4 नंबर फॉर्म करना है, 4 डिजिट का, तो नंबर्स को हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर्स को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना पड़ेगा। बड़ी जो बड़ी वैल्यू है वो पहले आएगी, उसके बाद हमारे पास कंटिन्यू छोटी वैल्यूज आते रहेगी। तो इन सारे नंबर में से लार्जर नंबर हमारे पास क्या 7, उसके बाद उससे छोटा नंबर हमारे पास आ रहा है 5, उसके बाद उससे छोटा नंबर आ रहा है 2 और फिर 1।
तो ये हमारे पास हो जाएगा इन फोर नंबर से फोर डिजिट का हमारे पास लार्जेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हमें असेंडिंग ऑर्डर देखना पड़ेगा। सबसे पहले स्मॉल वैल्यू आएगी वन, उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू टू, एंड टू से ग्रेटर फाइव, एंड लास्ट में ग्रेटर सेवन। तो इन्हीं वैल्यूज को हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा है फॉर असेंडिंग ऑर्डर। तो अगर गिवन नंबर से लार्जेस्ट नंबर फॉर्म करना है देन आपको डिसेंडिंग ऑर्डर की हेल्प लेनी पड़ेगी, और अगर स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है तो आपको असेंडिंग ऑर्डर की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब किसी क्वेश्चन में हमारे पास जीरो आ जाए तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर के फॉर्मेशन में क्या ध्यान रखना है क्लास, वो देखते हैं। इन फोर डिजिट से हमारे पास लार्जेस्ट नंबर क्या फॉर्म होगा, लार्जेस्ट नंबर हमारे पास क्या फॉर्म होगा? अब लार्जेस्ट नंबर के लिए तो हमारे पास सिंपल सा प्रोसीजर वही रहेगा डिसेंडिंग ऑर्डर वाला। पहले फाइव आएगा, उसके बाद टू, वन, लास्ट में हमारे पास जीरो। और स्मॉलेस्ट नंबर अगर हमें फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे? अब हमें फोर डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, फोर डिजिट का हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो अगर हम आगे असेंडिंग ऑर्डर में सबसे स्मॉल वैल्यू जीरो है, अगर हम जीरो पुट अप करेंगे, अगर हम जीरो पुट अप करते हैं उसके बाद वन, फिर टू, फिर फाइव, तो जीरो, वन, टू, फाइव, ये थ्री डिजिट का नंबर है, फोर डिजिट का नंबर नहीं है। तो ये 125 जो होगा फोर डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पर थ्री डिजिट नंबर है, क्योंकि आगे जो जीरो होता है उसकी वैल्यू काउंट नहीं होती है। तो फिर क्या करेंगे? तो इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि जब हमारे पास जीरो हो और स्मॉलेस्ट नंबर आपको फाइंड करना है, तो सबसे पहले जीरो से जो जस्ट ग्रेटर नंबर आ रहा है वो आपको सबसे पहले पुटअप करना है, उसके बाद जीरो पुटअप करना है, और उसके बाद जो हमारे पास ग्रेटर वैल्यूज आ रही है वो पुटअप करना है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर। तो जब जीरो आया तो आपको ये ध्यान रखना है कि जीरो से जस्ट ग्रेटर नंबर है उसकी वैल्यू हमारे पास पहले आएगी, उसके बाद हमारे पास जीरो आएगा, एंड देन हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में जो ग्रेटर वैल्यूज है वो हमारे पास आती रहेगी। तो यहाँ से हमने नंबर का जो ऑर्डर पढ़ा है कि नंबर का जो ऑर्डर है हमारे पास दो टाइप का ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो कैसे हम अरेंज करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हमारे पास हो जाएगी छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, स्मॉल नंबर से हमारे पास धीरे धीरे हमें लास्ट नंबर तक बढ़ना है। सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी, फिर उससे लार्ज वैल्यू, फिर उससे लार्ज वैल्यू, और उससे हमारे पास लार्ज वैल्यू आएगी। और डिसेंडिंग मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग मतलब हो जाएगा लार्ज टू स्मॉल। सबसे पहले लार्ज वैल्यू आएगी, फिर उससे स्मॉल वैल्यू, फिर उससे स्मॉल वैल्यू, और फिर हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू आ जाएगी। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो जाएगा स्मॉल वैल्यू से, स्मॉल नंबर से हमारे पास लार्ज नंबर तक बढ़ना, और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब हमारे पास हो जाएगा लार्ज नंबर से हमें स्मॉल नंबर तक बढ़ना। तो असेंडिंग मतलब ऑर्डर क्लास क्या हो गया, स्मॉल टू लार्ज, हमें छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ, स्मॉल नंबर से लार्ज नंबर की तरफ हमें बढ़ते जाना है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें लार्ज नंबर से हमें छोटे नंबर की ओर बढ़ते जाना है, घटते जाना है। देखिए एग्जांपल देखते हैं, कुछ हमारे पास नंबर्स हैं उनको हमें असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। कैसे हम अरेंज करेंगे, ये हमारे पास फाइव डिफरेंट नंबर्स से रखें और हमें इनको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम इनको अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स हमारे पास हो जाएगा छोटी वैल्यू से हमें बड़ी वैल्यू की तरफ हमें आगे बढ़ते रहना है।
तो देखें सबसे स्मॉल नंबर क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम प्लेस वैल्यू देखें तो ये 300 है, ये 400 है, 300 है, 400 है, 500 है। तो सबसे छोटा हमारे पास नंबर आ रहा है 300। अब 300 के अंदर अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू देखें तो 21, एंड देन हम यहाँ देखें तो ये 11। तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 311। नेक्स्ट इससे ग्रेटर नंबर 21। अब 441 और 456, तो जस्ट ग्रेटर नंबर हमारे पास इसके आ गए 441, 456, 561। ये हमारे पास हो जाएगा नंबर्स का असेंडिंग ऑर्डर। और इन्हीं नंबर को अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो जस्ट रिवर्स लिख दें, जस्ट इसको रिवर्स लिख दें, हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा। मीन्स सबसे पहले क्या आएगा, रिवर्स मीन्स आपको पीछे से लिखना है 561, 456, 441, 321, 311, लार्ज नंबर टू स्मॉल नंबर हमारे पास आ जाएगा। मतलब अगर हमने नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में सही अरेंज किया, उसी नंबर को अगर हम रिवर्स में लिख देंगे, पीछे से लिख देंगे, तो हमारे पास नंबर का क्या आ जाएगा, हमारे पास नंबर का डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा। नंबर्स का हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा। एक और एग्जांपल के थ्रू हम इनको समझते हैं अच्छे से। ये कुछ हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के नंबर दे रखे, अब काफी नंबर में जीरो भी आ रहे हैं, तो आपको अब ये ध्यान रखना है कि इनके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा नंबर हमारे पास स्मॉलेस्ट है, कौन सा नंबर हमारे पास लार्जेस्ट है। तो अगर हम देखें सारे नंबर हमारे पास जो है 1000 में दे रखे हैं, गिवन जो ऑल नंबर्स है वो हमारे पास 1000 में दे रखे हैं। तो अब इनके आगे हम बढ़ते हैं, वन के आगे जीरो आ रहा है, वन के आगे वन आ रहा है मतलब ये नंबर ग्रेटर है, वन के आगे जीरो आ रहा है मतलब ये नंबर स्मॉलेस्ट है, वन के आगे जीरो आ रहा है तो मतलब ये नंबर भी स्मॉलेस्ट है। अब हम देखते हैं सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर हमारे पास क्या आ रहा है, जीरो के आगे जीरो आ रहा है, जीरो के आगे वन आ रहा है तो ये नंबर ग्रेटर हो गया, जीरो के आगे जीरो आ रहा है मतलब ये नंबर भी छोटा है। अब इस जीरो के आगे वन आ रहा है, तो इन दो नंबर्स को हम कंपेयर करते हैं, इनकी हमारे पास तीन डिजिट सेम आ रही, तो जो हमारे पास यूनिट प्लेस की डिजिट छोटी होगी वो नंबर हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो यूनिट प्लेस वन टू से छोटा आ रहा है तो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा 1001, एंड देन नेक्स्ट आ जाएगा 1002। अब 1000 कंप्लीट करने के बाद हमारे पास देखते हैं कि 1000 नंबर हमारे पास अभी भी यहां पर आ रहा है 1010, तो ये नंबर आ जाएगा 1010 थर्ड नंबर पर। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास जो बचते हैं 1100 और 1100, यहां पर हमने दो वैल्यूज क्या लिए, सेम लिए, एक वैल्यू को हम चेंज कर देते हैं 1101 1100, तो इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 1100 और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 1101। 1100 अगर कंपेयरिंग करें तो तीन डिजिट सेम आ रही है, यहाँ वन है यहाँ जीरो है, तो स्मॉलेस्ट ये होगा लार्जेस्ट ये होगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आया गिवन नंबर में 1001, एंड लार्जेस्ट नंबर हमारे पास है 1101। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम नंबर्स को अरेंज कर दें तो वहां से भी हम आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा नंबर हमारे पास स्मॉलेस्ट है और कौन सा नंबर हमारे पास लार्जेस्ट है। तो स्मॉलेस्ट नंबर जो हमारे पास आ रहा है वो है इन गिवन नंबर्स में से 1001, और लार्जेस्ट नंबर जो हमारे पास है वो है 1101। अब इन्हीं नंबर को अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है तो इनको हम रिवर्स में लिखेंगे, इनको अगर हम रिवर्स में लिख देंगे तो हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा 1101, 1100, 1010, 1002, 1001। ये हमारे पास नंबर का क्या आ जाएगा, ये हमारे पास नंबर का डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है शिफ्टिंग ऑफ डिजिट्स, शिफ्टिंग ऑफ डिजिट्स। गिवन नंबर की प्लेस वैल्यूज में, गिवन नंबर को अगर हम जो हमारे पास है उनकी प्लेस वैल्यू को हम शिफ्ट करके वहां से भी हम स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर फॉर्म कर सकते हैं।
अगर हमारे पास कोई नंबर है 1, 3, 2, 1 प्लेस पर आ रहा है हमारे पास 2, 10th प्लेस पर 3 और 100th प्लेस पर 1 है, अगर इन नंबर में अगर हमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर फॉर्म करना है तो हम नंबर को शिफ्ट करके हम इजीली लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म कर सकते हैं। तो अगर इन तीन नंबर में हमें लार्जेस्ट नंबर फॉर्म करना है शिफ्टिंग और डिजिट, तो सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 100 प्लस पर, जो हमारे पास लास्ट वैल्यू है, लास्ट जहां पर नंबर खत्म हो रहा है उस वैल्यू पर हमारे पास ग्रेटर नंबर आना चाहिए, और जो हमारे पास 1 प्लेस पर है वहां पर हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर आना चाहिए। तो लार्जेस्ट के लिए हमने 3 को आगे शिफ्ट किया एंड 1 को शिफ्ट किया हमने लास्ट में, देन 3, 2, 1 ये हमारे पास लार्जेस्ट नंबर फॉर्म हो जाएगा। और इसी नंबर को स्मॉलेस्ट में कन्वर्ट करने के लिए, 100 प्लेस पर होना चाहिए सबसे छोटा नंबर, 100 प्लेस पर हमारे पास होना चाहिए सबसे छोटा नंबर, और 1 प्लेस पर होना चाहिए सबसे ग्रेटर नंबर, देन हमारे पास नंबर फॉर्म हो जाएगा 1, 2, 3, ये हमारे पास हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर। तो शिफ्टिंग और डिजिट्स में ध्यान रखना है कि जब भी हमें लार्जेस्ट नंबर पर फॉर्म करना है तो 1 प्लेस पर सबसे छोटी डिजिट होनी चाहिए, और स्मॉलेस्ट नंबर के अंदर 1 प्लेस पर सबसे बड़ी डिजिट, सबसे लार्जर नंबर होना चाहिए। तो नंबर शिफ्टिंग करके हम स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर भी फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है वो है इंट्रोडक्शन टू 10,000। अगर हम देखें कि हमारे पास वन डिजिट का हमारे पास सबसे ग्रेटर नंबर क्या है, वन डिजिट का सबसे ग्रेटर नंबर है 9, और टू डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 10। तो अगर मैं 9 के अंदर 1 ऐड करता हूँ, 9 में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो हमारे पास 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आता है। मतलब क्या हो गया, अगर हम n डिजिट ग्रेटर नंबर में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास n+1 डिजिट के अंदर स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हम टू डिजिट का अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर देखें ग्रेटर नंबर, तो वो हमारे पास है 99 हमारे पास 2 डिजिट का सबसे ग्रेटर नंबर है। अगर हम इसमें 1 ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो 100 आएगा, तो ये 3 डिजिट का सबसे पहला नंबर है। मतलब हम ये कह सकते हैं ये 3 डिजिट हमारे पास 3 डिजिट का सबसे पहला यानी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। तो अगर हम n डिजिट नंबर के अंदर अगर हम 1 ऐड करते हैं तो हमारे पास n+1 डिजिट का सबसे क्या बनता है, स्मॉलेस्ट नंबर बनता है। तो यहां से हमारे पास एक पैटर्न आ गया कि क्या अगर हम n डिजिट जो हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर के अंदर 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास n+1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। इसी हिसाब से अगर हम देखें कि हमारे पास 3 डिजिट का सबसे ग्रेटर नंबर क्या आएगा, 3 डिजिट का सबसे लास्ट नंबर हमारे पास क्या है, 3 डिजिट का हमारे पास सबसे लास्ट नंबर है 999। अगर हम उसमें वन ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 1000 आएगा। और अगर हम 1000 देखें तो वो 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। और अगर हम देखें 4 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर वो हमारे पास है 9999। इसमें अगर हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 डिजिट का हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा 10,000। तो 10,000 हमारे पास क्या है, 10,000 हमारे पास 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। 10,000 हमारे पास क्या है, 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। देन
10,000 इज स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर। अब इन नंबर्स को हम एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे शो करेंगे देखते हो। एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे शो करेंगे, तो 10,000 हमारे पास आ रहा है 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। अगर हमारे पास नंबर आ रहा है 20,000 उसका हमारे पास एक्सपांडेड फॉर्म कैसा आएगा। एक्सपांडेड फॉर्म में ये ध्यान रखना है कि जो भी उसकी प्लेस वैल्यू है वो नंबर उससे मल्टीप्लाई होगा। अब 20 हमारे पास जो है, 2 हमारे पास किस प्लेस पर आ रहा है, 10,000 प्लेस पर आ रहा है। तो इसको अगर हम एक्सपांडेड फॉर्म में लेंगे तो 2 × 10,000, तो ये हमारे पास उसका एक्सपांडेड फॉर्म आ जाएगा। एक्सपांडेड फॉर्म में लिखने के लिए, एक्सपांडेड फॉर्म में राइट करने के लिए आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी नंबर है वो उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है। जो भी नंबर है वो उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर कोई 1 प्लेस पर है तो वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, 10th प्लेस पर है तो वो 10 से मल्टीप्लाई होगा, 100th प्लेस पर है तो वो 100 से मल्टीप्लाई होगा, 1000 प्लस पर 1000 से मल्टीप्लाई होगा, और जो 10,000 है तो वो 10,000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके अंदर हमारे पास बाकी सब नंबर जीरोस है, इसलिए हमने इसके एक्सपांडेड फॉर्म में सिर्फ क्या लिखा है, 2 × 10,000 लिखा है। 2 × हमने 10,000 लिखा है। कुछ और हम एग्जांपल्स करते हैं एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 23,584। अब देखते हैं, 1 प्लेस पर है हमारे पास 4, 10th प्लेस पर हमारे पास 8, 100 प्लेस पर हमारे पास 5, 1000 प्लेस पर 3, और 10,000 प्लेस पर हमारे पास 2। देन 2 मल्टीप्लाई होगा 10,000 से, प्लस 3 हमारे पास 1000 प्लेस पर है, तो 3 मल्टीप्लाई होगा उसकी प्लेस वैल्यू 1000 से, और इन सब नंबर को ऐड करने पर हमारे पास यही नंबर आएगा। 5 हमारे पास 100 प्लस पर, 5 × 100, जो भी डिजिट है उसको उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उस नंबर का एक्सपांडेड फॉर्म आ जाएगा। 8 हमारे पास है 10 प्लस पर, प्लस 4 है हमारे पास 1 प्लस पर, तो ये हमारे पास इसका एक्सपांडेड फॉर्म आ गया। अब देखें 10,000 प्लस पर है हमारे पास 5, तो 5 मल्टीप्लाई होगा 10,000 से, 1000 प्लस पर 1 है, 1 मल्टीप्लाई होगा 1000 से, प्लस 100 प्लस पर 2 है तो 2 मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 100 से, प्लस 1 हमारे पास है 10 प्लस पर, 1 मल्टीप्लाई हुआ 10 से, और 5 1 प्लस पर है तो 5 मल्टीप्लाई होगा 1 से। तो हम प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके उनके एक्सपांडेड फॉर्म नोट डाउन कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम ओवर करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के पार्ट्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।